गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नवीन वर्मा एनवी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं VDN विद्याधर नगर। माँ हमें बहुत दिन हो गए, तो हम डोसा खाने जा रहे हैं। वो वहाँ के बहुत अच्छे बनाते हैं, तो हम नेसलम हैंडलूम जा रहे हैं VDN। तो मैं और मेरे साथ में कोई है, तो हम साथ में जा रहे हैं, आप सब जानते हो उसे। और तो अभी तो मैं यहीं हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आपको दिखाएंगे आज नेसलम हैंडलूम, और हम जा रहे हैं VDN। तो वहाँ आज आपको दिखाएंगे कि वहाँ कितनी पब्लिक है, कितना क्या हो और कितना फूड वगैरह, ये उन सब के ठेले लगे हुए हैं। वहाँ पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है, और रात के टाइम तो बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से, वहाँ पर व्यू आता है। तो गाइस, हम आपको भी लेके चलेंगे VDN। तो हमारे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल नवीन वर्मा एनवी ब्लॉग्स। और मैं और मेरे पार्टनर जा रहे हैं, उसको भी बहुत पसंद है डोसा इडली सांभर, तो हम खा के आएंगे। और मैं उसी टाइम ब्लॉग्स पिक शूट कर लूँगा, और तो वहाँ चलने के बाद आपको बताएंगे। ओके, और हम चलते हैं, बाय बाय। तो हम आ चुके हैं VDN, और मेरे पार्टनर भी मेरे साथ है। तो देखिए, अभी भीड़ नहीं है, तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। ये पूरा VDN है, देख सकते हो आप। तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे डोसा वाले के पास। तो और हमारे डोसे तैयार हो रहे हैं, देख सकते हो आप भैया कैसे बना रहे हैं। और ये स्पेशल हमारे लिए बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास हम हर बार आते हैं, तो इनको पता है कि हमें कैसा डोसा चाहिए। तो डोसे तैयार हो रहे हैं, जब तक हम आपको दिखाते हैं। भाई, आप सब देख सकते हो कि डोसा कैसे बनते हैं। और यहाँ के जो अन्ना थे वो गए हुए हैं, उन्होंने हाथ में बहुत स्वाद है, तो वो भी ये उनका ही बेटा है। देख लीजिए, ये कहाँ से है, इंडियन क्या पता कौन सी जगह से है, ये पता नहीं है। और देख सकते हो आप, हमारे डोसे तैयार हो रहे हैं। ये देखो, भाई ने अपने लिए बहुत अच्छे डोसे बनाए हैं। और हम अब स्टार्ट करते हैं खाना, और आप भी आ जाओ हमारे साथ खाने के लिए। ओके, तो गाइस, हम आ चुके हैं और हमारे प्लेट भी आ चुके हैं। और हमारे पार्टनर को देखो कितनी जल्दी लग रही है खाने की, तो हम भी स्टार्ट करते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ फास्ट फूड बहुत ही बहुत ज़्यादा उनके ठेले लगे हुए हैं, तो यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है। और मैं पब्लिक के बीच में वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ी घबराहट तो हो रही है, पर क्या करें, बनाना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए मैं पब्लिक के सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, और हम डोसा खा रहे हैं, जब तक आप हमें देखें और हम आपको देखें। ओके, और हमारे पार्टनर को देखो कितना जल्दी खा रही है, इसे बहुत शौक है फास्ट फूड खाने का। तो ठीक है, बाय बाय। फ्रेंड्स, आपको एक ज़रूरी बात बताते हैं, हमारे अन्ना हैं वो चावल के पिज्जा बना रहे हैं, देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं, ये सब बताएंगे। पिज्जा है चावल वाला, कभी टेस्ट तो नहीं किया, और देख रहे हैं हम।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल नवीन वर्मा एन वी ब्लॉग्स, और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। और देख सकते हो आप हम आपको क्या क्या बताते हैं, यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत, मतलब रात के टाइम तो इतना पब्लिक हो जाती है कि जाम लग जाता है रास्ता, जाम हो जाता है रास्ता। तो हम भी खाते हैं, ओके, और देख सकते हो आप पिज्जा कैसे बन रहा है। तो फ्रेंड्स हमारी डोसा की प्लेट ख़त्म हो चुकी है और हमारे पार्टनर देखो मतलब पूरा खा गई, मेरे लिए भी नहीं छोड़ा, देख सकते हो आप। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं गाइस, हमने पेट भर के खा लिया है डोसा, अब हम खाएंगे कुछ मज़ेदार चीज़ सांभर बड़ा। जब तक के लिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पब्लिक कितनी ज़्यादा है, कितनी बहुत मतलब बहुत बहुत, और कितने ज़्यादा फास्ट फूड के ठेले लगे हुए हैं देख सकते हो। और ये रहा हमारा अन्ना भाई, और हम खाते हैं सांभर बड़ा, और ये रहे हमारे सांभर बड़ा, और आपको दिखाते हैं सांभर बड़ा। देखो वो ये भैया कैसे बनाते हैं, और ये ले लिया हमारे लिए एक प्लेट पैक सांभर बड़ा, नहीं सांभर पैक नहीं, खाना है खाने के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं हम हमारे सांभर बड़े, इसे भी चेक करते हैं आज कैसा लगता है सांभर बड़ा। तो देखिए अन्ना भाई स्टार्ट कर रहे हैं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे नारियल की चटनी जो बनाते हैं, ओके। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस सांभर बड़े को चेक पहले मैं करूँगा, क्योंकि उस टाइम डोसा भी मेरी पार्टनर खा गई थी। तो गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, हमने बराबर खाया है। तो सांभर बड़ा बहुत टेस्टी है, इसकी मुझे वाइट चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा क्राउड है यहाँ पे, इसमें लाल मिर्ची भी है। ये NH है, VDN में विद्याधर नगर का NH है ये। यहाँ हमेशा ऐसा ही भीड़ लगा रहता है, हमेशा क्राउड रहता है, बहुत अलग अलग टाइप्स के स्टॉल्स हैं यहाँ पे। ये शोरूम है नेचुरल हैंडलूम कॉरपोरेशन, इसके अलग अलग जगह आप स्टॉल दे सकते हो। तो हम चलते हैं कुछ मीठा, या तो जूस या पपीता शेक। तो हमारे पार्टनर को जूस पीना है और हमें बादाम शेक पीना है। तो हम आ चुके हैं इधर, इधर क्या सब है बादाम शेक वगैरह, ये रहे हमारे पार्टनर। तो देखते हैं यहाँ पपीता शेक मिल जाता है कैसे, नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर पपीता शेक। और हमें चाहिए है, हमें क्या चाहिए, बादाम शेक, शायद यहाँ पे बादाम शेक नहीं है, कुल्फ़ी वाला सहक है। तो ठीक है हम पास वाले भैया के पास चलते हैं और इनसे मांगते हैं बादाम सेक। ओ और ये हमारे लिए बादाम सेक आ रहा है, मतलब वो वाला बादाम सेक नहीं है, रबड़ी वाली कुल्फी आती है ना वो वाला बादाम सेक है, ये भैया ने हमें दे दिया है और हम इनको पीते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। माय यूट्यूब चैनल नवीन वर्मा एंड ब्लॉग वॉचिंग मी।